हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एस पी रियल टिप्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि व्हाट्सएप पर कॉपी किए हुए मैसेज को आप डिलीट कैसे करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं अपने व्हाट्सएप अकाउंट को ओपन कर लेता हूं। तो यहां पर मेरे सामने एक मैसेज है, हेलो फ्रेंड। तो चलिए मैं इस मैसेज को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब दोस्तों, आप इस मैसेज को डिलीट कैसे करेंगे, इसके लिए मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। आप दोनों मेथड से इस मैसेज को आसानी से डिलीट कर पाएंगे। जो फर्स्ट मेथड है, इसके लिए अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल का जी बोर्ड यूज कर रहे हैं, तो दोस्तों उसमें आपको यहाँ पर एक 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको एक 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसी सेटिंग खुलकर आ जाएगी, थीम, क्लिकबोर्ड, टेस्ट एडिटिंग, शेयर गार्ड, ऑन हैंडेड फ्लोटिंग। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लिकबोर्ड का। आप इस क्लिकबोर्ड पे क्लिक करेंगे, जो मैसेज मैंने यहाँ पर कॉपी किया हुआ है वो अब यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इस गूगल के जी बोर्ड में। अब ये मैसेज पर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको एक डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस डिलीट पे क्लिक करके जो कॉपी किया हुआ मैसेज उसको आप आसानी से डिलीट कर सकते हैं। अगर आप दूसरा मेथड यह है, अगर दोस्तों आपके मोबाइल में जी बोर्ड नहीं है, अगर आप कोई अदर क्लिक बोर्ड यूज कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप उस मैसेज को कैसे डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको इस टाइप ए मैसेज में डॉट डॉट क्लिक करके इसको पेस्ट कर देना है और इस डॉट को आप यहां से कॉपी कर लेना है। जो पहले जो आपने जो लॉन्ग मैसेज टाइप किया हुआ था वो यहां से हट जाएगा। सिर्फ यहां पर जब आप इस पे पेस्ट करेंगे तो सिर्फ डॉट डॉट ही दिखाई देगा। अगर आप में ये गूगल का जी बोर्ड नहीं है तभी आप इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, वरना गूगल का जी बोर्ड सबसे बेस्ट है, इससे आप बिल्कुल डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अगर कोई डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।